हिमाचल सीरीज के अब तक के वीडियोस में आपने देखा कि मैं और मम्मी अपने घर भिलाई छत्तीसगढ़ से 5 दिन का सफर करके पहुंचे हिमाचल प्रदेश में नारकंडा। इस सीरीज के सारे वीडियोस ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। हिमाचल के हरे भरे पहाड़ों और सामने दिख रहे एप्पल के खेतों से एक बार फिर गड्डीबाज में आप सबका स्वागत है। तो नया दिन है, आज होगा नया सफर। इस होमस्टे में हम लोग पिछले 2 दिन से रुके हुए थे, यहाँ से आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। मम्मी यहाँ खड़े होके आखिरी बार इस खूबसूरती को निहार रही हैं। और आज निकलना जल्दी था लेकिन इतना अच्छा था कि हम सोते ही रहे। इस होमस्टे को लेके मैंने एक डिटेल वीडियो कल बनाया है, जहाँ पे मैं नीचे बढ़िया इन एप्पल के खेतों में और आसपास की एक दो जगह मैंने कवर की हैं। ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। हाल फिलहाल नीचे चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से अपनी सवारी को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है, अच्छी नींद आई आपको? आपको छोड़ के जाने का मन नहीं है। मुझे भी आप लगते अच्छे लगे, बहुत अच्छे। अब आपसे दोस्ती हो गई, अब काव्या सीरियल या मेरा छूटेगा तो मैं आपसे फोन करके पूछूंगी। ठीक है। तो ये तैयार हो रहा है हमारा नाश्ता, ब्रेड बटर। आंटी को कुकिंग का बहुत शौक है, बहुत प्यार से अपने गेस्ट को खिलाती है। कुकिंग का शौक है, उसके संग प्यार से खिलाने का एक अलग वो है। मम्मी तो आज बोल रही है कि मैं मीठी चाय पीऊंगी। कई बार मन कर जाता। अच्छे से शक्कर डाल लिए मम्मी। ये तुम हमारा तौलते ही रहते दिन भर। किचन से ठीक लगा हुआ ये है इनका खूबसूरत डाइनिंग स्पेस। मम्मी के लिए आ गई है चाय और टोस्ट इस शानदार व्यू के साथ। ये हमारे ना गोल्डन सेब होते हैं। अच्छा। तो अभी तक हमने ये अपने खाने के लिए रखे हुए हैं। हाँ। तो कुछ तो खराब हो गए, इनको फेंक देंगे। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैं दूँ आपको? अच्छे खाने में मीठे हैं। हाँ। देखने में चाहे जैसे मर्जी हैं ये। हाँ। तो खाने में मीठे हैं ये। तो मैंने कहा आपको अपनी तरफ से देती हूँ, आप फ्रूट वगैरह पसंद करते हैं ना। तो टाइम टू से गुड बाय स्वस्तिक होम स्टे को। चलिए आंटी चलते हैं, दोबारा आपके यहाँ आएंगे फिर से। वेलकम। तो शुरू हो रहा है हमारा आज का सफर। टाइम हो रहा है 11। अरे क्या हो गया मेरी रंगदुम को? बेचारी रंगदुम एकदम से गर्म नहीं हो पाई है, धीरे धीरे चढ़ रही है ऊपर। कृष्णा आंटी ने हमको जी भर के खाना खिलाया बहुत बड़े प्यार से। तो आई थिंक कल तो हमारी डाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, अब वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आना है। अच्छे बढ़िया प्यारे एकदम होमली होमस्टेज में रुकना, अच्छा खाना खाना, इस सब के बीच में असली मज़ा जो है इन चीज़ों का रोड ट्रिप को हम भूल जाते हैं। हिमाचल की इन वादियों में गाड़ी चलाना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, इसका मज़ा भी अपना अलग ही है। और कम डिस्टेंस कवर करना, शांति से जाना। हाँ। और फिर शांति से सो के उठ के ये जिन जगहों पे हम लोग आए हैं, आसपास की सारी जगहें बहुत पास हैं, आसपास ही हैं। तो इसीलिए हम लोग दिन में 70-80 किलोमीटर धीरे धीरे आराम से कवर करते हैं, भागना दौड़ना नहीं। हाँ। करते हैं तो उससे बहुत आराम हो गया है कि अपन आनंद ले रहे हैं। हाँ। को ज्यादा दौड़ लगाओ तो आनंद कम। हाँ, आनंद कम हो जाता है, थक ज्यादा जाते हैं। तो सामने आपको पहाड़ पे जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये हम आ गए हैं कुमार सेन नाम की जगह में। सामने लिखा है विशाली होम स्टे। अब तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जगह पे जा रहे हो वो टूरिस्ट मैप पे है भी कि नहीं। छोटे बड़े गांव हो चाहे शहर हो, जो इस नेशनल हाईवे पे हैं, हर जगह आपको कहीं ना कहीं तो होमस्टे दिखी जा रहे हैं। तो मम्मी यहाँ बढ़िया हाईवे के किनारे कर रही हैं मस्त एक्सरसाइज। अभी थोड़ी अच्छी खासी धूप निकल आई है, पेड़ के नीचे गाड़ी रुकी है। अभी ये जो आप हाईवे मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हाईवे काफ़ी चौड़ा है, अच्छा खासा चौड़ा है। लेकिन अभी थोड़ा सा आगे हम जिन सड़कों पर जाने वाले हैं, वो सड़कें बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सक्रिय होने वाली हैं। ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसमें ये एक राइट लेफ्ट जाती हुई एक सड़क दिख रही है। मोस्ट प्रॉब्ली हमें उसी सड़क पे जाना है जो हमें जलोरी, जीबी, इन सब रास्तों पे ले जाएगी। ये रास्ते आगे आगे जाके सक्रिय हो जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल होगा रुकना और एक्सरसाइज करना, इसलिए यहीं कर ले रही हूँ। घुटनों को थोड़ी सी एक्सरसाइज देना ज़रूरी हो जाता है। ये पर्स लटका के जब मम्मी चलती हैं तो वो बच्चे होते हैं ना मेले में, जी बोलते हैं कुछ खरीद दो तो उनको एक पर्स खरीद देते हैं छोटा सा। बेटा इसमें तुम्हारी इमरजेंसी कार की चाबी रखी रहती है, वो हंसने की बात नहीं है। तुम्हारी कार का तो गेट कभी बंद हो जाता पता ही नहीं लगता, इसलिए लटकाना पड़ता है।
मम्मी की एक ड्यूटी है कि जब भी वो गाड़ी से उतरे एक चाबी उनके पास हमेशा रहनी चाहिए। तो ये जो छुटकू पर्स मम्मी पहने रहती हैं इसमें वो चाबी हमेशा रहती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट में लिखा है मंडी कुल्लू सुन्नी, सीधा जाएंगे तो कौरिक रामपुर ये सब जगह आएंगे। तो ये जो सीधा जो रास्ता है ये हमें ले जाता है स्पिटी, स्पिटी मतलब स्पिटी वैली, रिकांगपियो होते हुए जो हम लोग अपने पहले ब्लॉगिंग टूर में गए थे। अरे वाह। वहां जाने के लिए जो रास्ता है वो अभी भी काफी आगे तक चौड़ा ही है, लेकिन हम यहाँ से मुड़ रहे हैं लेफ्ट। ये एक इंटरसेक्शन है और सामने आपको लिखा है लुहरी आनी, ये सब हमारे रास्ते में आएंगे ये सब छोटे छोटे गांव। और आप सामने जैसे देख रहे हैं अचानक से रास्ता सकरा हो गया है। अब आने वाले 7-8-9 दिन तक, 7-8-9 या 7-10 दिन तक हमें ऐसे ही रास्तों का सामना करना है, हमें स्लिम रास्तों का सामना। यस, ये कृष्णा जी ने कितने प्यार से एप्पल दिए थे ना, आज वही खाते। मुझे नाम तो याद आ नहीं रहा उनका, तो मैं भी याद नहीं आ रहा, लेकिन है बहुत अच्छे। सामने एक बड़ा ही खूबसूरत सा पुल दिख रहा है, ये पुल क्रॉस करके हमें ले जाएगा लुहरी नाम की छोटी सी जगह में। लुहरी बहुत सकरा पुल है और मवेशियों ने भी थोड़ा कब्जा करके रखा हुआ है, भरा पूरा मार्केट दिख रहा है यहाँ। तो ये जो एप्पल उन्होंने दिए हैं बस इनके छिलके नहीं खा सकते, इनको बस छील के खाना है, बाकी टेस्ट बहुत शानदार है। हमें राइट साइड से ओवरटेक कर रहा है एक बाइकर गैंग दिल्ली का, दूसरे कपड़े उतार के रखे, गर्मी लग रही है। तो आप सामने देख रहे हैं रास्ता भले ही सकरा हो गया है लेकिन अभी भी पूरा ब्लैक टॉप रोड है। आगे कुछ कुछ जगह ऐसा सुनने में आया है कि बीच बीच में गड्ढे वड्ढे मिलेंगे, तो थोड़ा ऑफ रोडिंग का भी मजा हम लेने वाले हैं आगे। तो जलोरी पास के पहले आखिरी जो बड़ा सेटलमेंट आता है हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, ये है आनी। कुछ लेना है मम्मी, सब्जी फल सब मिल रहे हैं यहाँ पे, इतने बहुत है। अब आगे जाके आई थिंक बंजर में ही मिलेंगे। ये ना हमको लीला है, ये हमको रास्ते में मिल गई इनका आनी। आनी आनी मैं इनकी बस छूट गई, और बेचारी पैदल पैदल कितनी आगे तक जा रही थी इतनी गर्मी में, तो हमें मिल गई तो कह लगी मेरे हम इधर तक छोड़ देना, तो हम ले आए इनको साथ में। मजा आ रहा हमें बात करने में। वहाँ किस लिए गए थे आप? शादी में गए थे, भांजे की शादी में। अच्छा, तो हाँ। कई दिन तक होती होगी शादी की? एक दो दिन में हो जाती है? दो दिन में हो जाती, खत कल गए आज होगी खत्म। अच्छा, जल्दी हाँ। हो, पहले लंबी होती थी। हाँ, पहले होती, अब होती है शॉर्टकट में एक ही दिन में। तो आपके यहाँ फेरे रहे होते क्या? हाँ जी, हाँ जी होते। कितने? 7 फेरे लेते हैं। अच्छा अच्छा, हिमाचल में। अच्छा, लद्दाख में अलग हो जाता है। अच्छा जी। तो गाड़ी हमने वही खड़ी की है जो नदी की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा कि कम से कम जाके देख के तो आऊँ, तो यही है। यहाँ ऊपर से पानी बह के आ रहा है, पानी ज़्यादा नहीं है लेकिन हमेशा की तरह नदी की आवाज़ बड़ी सूदिंग है। ये जिस एरिया में हम लोग खड़े हुए हैं ये पूरा सबमर्ज रहता है जब पानी पीक पे रहता है, बट अभी गर्मियों का टाइम है इसलिए ज़्यादा पानी यहाँ पे है नहीं। तो ये जलोरी पास की तरफ जो हमारी आखिरी की हाइक है वो स्टार्ट हो गई है। जलोरी पास के जस्ट पहले कुछ होम स्टेज आते हैं, तो मैं कन्फ्यूज्ड हूँ कि आज मैं उसी होम स्टे में रुक जाऊँ या फिर थोड़ा सा जलोरी पास को क्रॉस करके आगे निकल जाऊं। मैं तो सोचती हूं कि आगे निकल जाओ, अभी क्या है, अभी 3 ही बजा ना। जलोरी तक पहुंचने वाली सड़क में दोनों तरफ बीच में एप्पल ऑर्चर्ड्स दिख रहे हैं। दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ जमी है। बीच में सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गाँव आ रहे हैं। इस गाँव का नाम है चोहनी। हमारी थोड़ी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है जलोरी पास पहुँचते पहुँचते। सामने आप देख रहे हैं सब जो लैंड स्लाइड हुआ है, ये बता रही हैं कि ये लैंडस्लाइड पिछले साल जुलाई में जो यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आए थे, जो बहुत तेज़ बारिश हुई थी तब हुआ है। ये वाला सेक्शन थोड़ा ख़राब ही रहता है। बहुत देर अपन सीधे सीधे बैठिए, हाँ। अब अपन हिलेंगे, हिला के दवाई खिला जाती है ऐसे हिल। बस एक ब्रेक के लिए गाड़ी यहाँ पे रुकी है, थोड़े सा आखिरी के आई थिंक 3-4 किलोमीटर बचे हुए हैं। सीन देखिए मेरे पीछे नीचे का, नीचे दूर दूर तक गाँव दिख रहे हैं और सबका सेम वही सीन है। सब जगह एप्पल का जो प्लांटेशन है वो जो नेट्स लगाई गई हैं उनके ऊपर, उस वजह से यहाँ से भी क्लियरली विजिबल है। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। हम लोग पहुँच गए हैं जलोरी पास, जलोरी टॉप पे, और यहाँ पे एकदम से भीड़ बहुत दिख रही है। यहाँ पे वीकेंड पे क्राउड बहुत आता है, आज संडे है तो काफ़ी सारी टूरिस्ट व्हीकल्स दिख रही हैं। सुने रास्तों से आते आते अगर अचानक से ऐसी भीड़ भड़के वाली जगह मिल जाए तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। जब पीछे से आ रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि ये जगह इतनी लाइव होगी। जलोरी पास यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है, इसलिए टूरिस्ट कहीं भी आसपास रहे यहाँ पे ज़रूर आते हैं, तो वही यहाँ पे थोड़ी भीड़ आपको दिख रही है। सामने है यहाँ पे माता का मंदिर और ये है बजरंगबली का मंदिर इससे लगा हुआ। जलोरी पास की जो ऊँचाई है वो है 3200 मीटर।
अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो लेह से लद्दाख में, तो लेह की जो ऊंचाई है वो है 3,500 मीटर, यानी 3.5 किलोमीटर, यानी कि ये लेह से 300 मीटर कम हाइट पे है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। जनरली किसी हाई पास पे जाओ तो कान वान ढक के, बहुत विंटर जैकेट पहन के, मैंने तो पहन लिया लेकिन ज़रूरत इसकी नहीं महसूस हो रही है। जिस तरह लाइन से ये कारें खड़ी हैं, लाइन से ये हट बने, जो भी बना, उस तरह प्रकृति ने लाइन से पेड़ भी लगा रखे। हाँ, मंदिर के पीछे सीन बड़ा ज़बरदस्त है। पहाड़ी की ढलान पे बिल्कुल एक ग्रीन गार्डन जैसा है और साइड में एक लाइन पूरी पेड़ों की है। नीचे आई थिंक हिमाचल गवर्नमेंट के शायद रेस्ट हाउस बन रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे अच्छे शॉल भी मिल रहे हैं, लेकिन अब कितने शॉल खरीदूँ, जहाँ जाऊँ वहाँ शॉल मिलते हैं। तो मैंने आज कैप खरीद लिया, अभी वो उसको ठीक कर रही है, फिर मेरे को देगी। तो मम्मी ने यहाँ पे एक बढ़िया प्यारा प्यारा स्कार्फ खरीद लिया है, कैप खरीद लिया। और बच्चे जल्दी से पहन लेते हैं ना, मैंने भी पहन लिया। और मेरे जो अंकल है ना, अनुपम अंकल, वो कुछ नहीं खरीद। कैसे, चलो चलो चलो। जलौरी पास से सवारी हमारी बढ़ रही है आगे। पास के उस तरफ अगर आप देखें तो बिल्कुल बर्फ नहीं दिखी थी, लेकिन पास के इस तरफ काफ़ी स्नो दिख रही है। इसका रीज़न शायद ये होगा कि यहाँ पे उतनी सनलाइट पड़ नहीं पाती होगी, उस तरफ सनलाइट पड़ जाती होगी तो वहाँ की स्नो पिघल जाती है। यहाँ तो बढ़िया स्नो दिख रही है। मम्मी क्या खा रही हो, दे दो। क्या ये खाकरा? जलौरी पास के आसपास ही मैं कहीं रुकना चाहता हूँ, देखते हैं यहाँ आसपास कोई बढ़िया अकोमोडेशन मिलता है क्या। बहुत ऊपर आ गए तो चारों तरफ की सीनरी और गजब गजब की दिख रही है। अभी हम लोग सोजा नाम की जगह को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे प्यारे प्यारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, व्यू वाले बने हुए हैं। हमारे रोड के राइट साइड पूरी खाई है। बस सकरी सड़कों के अलावा यहाँ सब कुछ बड़ा सुंदर है। यहाँ पे इस तरीके से सामने जो थार खड़ी है, गाड़ियों की पार्किंग बनाई जाती है। एक छोटी सी छत उस घर के ऊपर बनाई जाती है और वहीं गाड़ियाँ पार्क होती हैं। तो मैं गाड़ी बहुत धीरे धीरे नीचे उतार रहा हूँ और सामने लिखा हुआ है किपरा गाड़ी पहले दूसरे गियर में चलाएं और सुरक्षित रहें। यहाँ भी डिक्लाइन बहुत ज़्यादा स्टीप है, इसलिए मैं भारी धीरे 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 चला रहा हूँ। तो सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है, इसी ब्रिज को मैंने क्रॉस किया और क्रॉस करते साथ ही मम्मी ने मेरे को बोला कि यार ये जो सामने दिख रहा है ना, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी में मैंने एंटर किया। पानी की आवाज़ ने ही हमको इतना मोहित कर लिया कि आगे तो हम देखे ही नहीं और आगे देखे तो और बढ़िया ही बढ़िया था सर। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी में रूम एक ही है, बाकी ये लोग आगे टेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। टेंट्स में कॉमन अटैच लेट बाथरूम है, लेकिन मेरे को तो रूम ही चाहिए था तो मैंने उनसे बोला रूम है, एक ही रूम था, वो मुझे मिल गया। रूम मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये हम लोग खड़े हुए हैं बालकनी में, पानी सामने से बह रहा है और ये है एक बड़ा ही शानदार सा रूम। बहुत स्पेसियस है, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, सोफा सेट लगा हुआ है, डबल बेड है और एकदम जम्बो साइज का वॉशरूम है। और यहाँ पे महारानी अमिताभ बैठी। इसीलिए मैं मेन रोड से, ये जो जीबी वाली जो मेन रोड सीधा जाती है, मैंने उसको नहीं लेके एक जगह मैं अंदर मुड़ गया। अंदर मुड़ जाने से कुछ बेहतर प्रॉपर्टीज़ बेहतर रेट में मिल जाती हैं। मेन रोड की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कुछ ज़्यादा रेट की दिख रही थी। मुझे तो ये खुशी है कि आज रात भर ये कल कल की पानी की आवाज़ कानों में पड़ती रहेगी, कितना आनंद आएगा। पीछे जो झरना है, मम्मी एक काम करो, आप तो बढ़िया मस्त यहाँ बैठो, मैं वो झरने के पास जाके आता हूँ, आप कल सुबह जाना। ये इनका कॉमन एरिया है, बहुत ठंड के टाइम में यहाँ बॉनफायर भी होता है। ये है इनका डाइनिंग हॉल, सामने लगे हुए हैं टेंट्स और पीछे है इनका किचन और साथ में एक प्यारा सा गार्डन। ये जो रिजॉर्ट मेनली बनाया गया है, यह है कैंपिंग का एक्सपीरियंस देने के लिए ही बनाया गया है। एक ही रूम उसमें था, किस्मत से आज वो रूम किसी ने लिया नहीं था तो हमको वो रूम मिल गया। पिछला जो होम स्टे था, स्वस्तिक होम स्टे, वहाँ भी हम लोग अकेले ही थे और यहाँ भी आज हम लोग अकेले ही हैं। ये है वो खूबसूरत झरना जिसकी आवाज़ रात भर हमको आने वाली है।
तो रात के बज रहे हैं 8, हमारी है सोने की तैयारी। लेकिन उससे पहले आज सुबह जब हम लोग अपने होमस्टे से निकले थे तो हमने सिर्फ ब्रेड बटर खाई थी और चाय पी थी, उसके अलावा रास्ते में हमने कुछ नहीं खाया, अपना घास फूस ही खाते रहे। अब यहाँ पे आया है खाना, मम्मी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने बढ़िया खिचड़ी बना के दे दी है। ये कैसी है मम्मी खिचड़ी? फर्स्ट क्लास है। और साथ में आई है ये है रोटी, एकदम गर्मा गर्म भाप निकलती हुई, ये है आलू मटर की सब्जी और ये है दाल। मैं यहाँ पे जब से आया था मैंने खाना मंगा लिया, काफ़ी देर यहाँ बैठ के आसपास घूम लिया और मुझे नाम ही नहीं पता था कि मैं किस जगह पे रुका हूँ। ये जो जगह है इसका नाम है रिवरडेल कैंप्स। मैंने ऐसे आपको बताया रूम इनके पास अभी हाल फिलहाल यही वाला है, काफ़ी बड़ा सारा शानदार रूम है और बाकी इनके पास 8 टेंट्स हैं, टेंट्स डबल बेड वाले होते हैं। मम्मी ने ये जब से खरीदा है जलोरी पास से तो उसको उतारा ही नहीं है, ठंड है ना। चलो ठीक है, बोलो चलो खिलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मम्मी गुड बाय। क्या एप्पल, ये कृष्णा जी ने एप्पल दिए थे कितने प्यार से, आज वही खाते हैं। क्या कहा था, क्या नाम दिया था उन्होंने, कौन से एप्पल, गोल्डन एप्पल? अब मम्मी थोड़ा सा तो जताया, ये कृष्णा जी ने एप्पल दिए थे, देखो इसमें ऐसा अच्छे से दिखता है, तो थोड़ा तो कुछ वो करो ना। ये कृष्णा जी ने कितने प्यार से एप्पल दिए थे ना, आज वही खाते हैं। अब मुझे नाम तो याद आ नहीं रहा उनका, तो मैं भी याद नहीं आ रहा, लेकिन है बहुत अच्छे, सॉफ्ट भी है, अपन यही खाते आज। मम्मी एक बात बताओ, वीडियो देखने वाले की नजर से देखो, आपने कहा कि है ना, ये है ना, क्या क्या मतलब है? कृष्णा जी ने इतने प्यार से एप्पल दिए थे, इसी को खाते हैं, खत्म है ना, कहने से भी अच्छा लगेगा, ठीक है, नेचुरल एकदम, उसमें क्या, ठीक है, आपकी डाल देना उसमें, है ना, कर, हाँ 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 ठीक है।